है, वो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, तो एनी एडवाइस आप जो उनको देना चाहेंगे? हाँ, पैशन फॉलो करना है अगर, मेरे लिए, मेरी तरफ से अगर मैं कहना चाहूंगा तो आपको आसपास की चीज, आसपास के लोग, दूसरे ने क्या किया, दूसरा ये कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब एज अ नेगेटिव थॉट्स दिमाग में बिल्कुल नहीं आने चाहिए। और अगर कुछ करने का मन है तो उसके बारे में ज्यादा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि हमको ये रास्ता कहाँ तक ले जाया जा सकता है। तो अगर आप एक जर्नी के साथ स्टार्टअप करेंगे, एक प्रोसेस में घुसेंगे, तो वो प्रोसेस आपको हमेशा आगे ही ले जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सीखता हूँ और मैं वो देख भी पाता हूँ कि अच्छा, ये पहले मैं नहीं कर पा रहा था, अभी मैं कर पा रहा हूँ। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते अच्छा मेरे लिए ये बेस्ट है, मेरे लिए ये बेस्ट है, तो एक बार कोशिश करनी चाहिए और लग रहा है कि मेरे लिए ये पैशन है तो उस पैशन के साथ आपको सिर्फ मजे करने चाहिए और कुछ नहीं। एज अ सीरियस होके भी काम करना नहीं चाहिए, कि ऐसा स्ट्रेस लेके भी काम नहीं करना चाहिए, बस उसको सिर्फ फॉलो करो और उस पैशन के साथ मजे लो। तो मेरे लिए वही है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, नेगेटिव कोई थॉट्स नहीं लाना है, बस अपने काम के साथ रहना है और अपने काम के बारे में खुद से बात करना है और किसी से नहीं। तो आजू बाजू एडवाइस देने वाले बहुत लोग होते हैं, हमको लग रहा है कि हाँ इससे कुछ बात लेनी है तो ले सकते हैं, हमको लग रहा है इससे बात कुछ नहीं लेनी तो नहीं ले सकते, वो हमारी मर्जी है ना। हमको किसी दूसरे की बात को भी लेकर हमें ये करना है वो डिसाइड हम नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका अलग होता है, हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है। तो जिसको जैसा कंफर्टेबल लगता है, छोटा काम हो या बड़ा काम, एक शुरुआत होगा तो वो पैशन के साथ उसको आगे काम नहीं लगेगा, उसको सिर्फ मजा ही आएगा।